हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शनिवार को पूरी हो गई। अब एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी को 20 से 28 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। यह भी संभावना है कि शायद कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर भी बढ़ जाए। मतलब साफ है कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस कुल 90 सीटों में 80 से ज्यादा सीटें हासिल कर ले। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? क्या इस बड़ी विजय के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मेकओवर और उनकी बढ़ती लोकप्रियता है? क्या इस बड़ी विजय के पीछे भूपेंद्र हुड्डा का जाट बेल्ट और हरियाणा की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ है, या फिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की असफलता? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि राहुल गांधी को अब देश का एक तबका सुन रहा है। आप उनकी बातों में लाखों नुक्स निकाल सकते हैं, पर एक तबका उन्हें ध्यान लगाकर सुन ही नहीं रहा है, बल्कि उन पर भरोसा भी कर रहा है। राहुल गांधी ने जब पिछड़ों को लेकर बोलना शुरू किया था, तब यही लगता था कि कांग्रेस खुद तो कभी पिछड़ों के लिए कुछ किया नहीं, अब उनके अधिकार की रोज बातें कर रही है, कौन करेगा उन पर भरोसा। कांग्रेस का जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ नारा था, वो लोकसभा में चुनावों में यूपी ही नहीं हरियाणा में भी बीजेपी को डैमेज उस नारे ने पहुंचाया था। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी इस नारे को झूठा साबित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस इस बार अंतिम दौर तक जी जान से जुटी दिखी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंतिम दौर तक न केवल चुनाव प्रचार किए, बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को भी खत्म करने में लगे रहे। अब आते हैं हरियाणा में कांग्रेस को लीड करने वाले हुड्डा फैमिली पर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हुड्डा पिता पुत्र ने इस चुनावों में जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इन चुनावों में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की, बल्कि यूं कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी कि ये विजय इन्हीं पिता पुत्र की देन है। हरियाणा की लड़ाई लोकप्रियता के बल पर नहीं लड़ी जाती। हरियाणा में आप लोकप्रिय हो सकते हैं, पर बूथ तक वोट डलवाने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी होती है। ये वैसे ही है जैसे कोई बहुत अच्छी फिल्म हो और उसको थिएटर ही ना मिले तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। हुड्डा राज्य में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर तीनों हैं, जो लोकतंत्र में सबसे अधिक जरूरी होता है। 2019 में राहुल गांधी उन्हें नापसंद करते थे और अशोक तंवर पर अधिक भरोसा करते थे, पर सोनिया गांधी और अन्य पार्टी के लोग जानते थे कि हुड्डा के वश के ही बात है हरियाणा को जीतना। अगर राहुल ने हुड्डा पर पिछले चुनाव में ही भरोसा किया होता तो तस्वीर कुछ और रही होती। 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करने में हुड्डा चूक गए, पर पिछले 5 साल से कांग्रेस को वापस लाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। कुमार सैलजा की छवि हुड्डा के मुकाबले राज्य में अच्छी हो सकती है, पर चुनाव जीतने के लिए एक अलग कला की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं है। अगर बीजेपी के वोट शेयर में घटोतरी नहीं हो रही है तो फिर कहां बीजेपी फेल हो रही है। दरअसल बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस बार फेल होता दिख रहा है। लोकसभा चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर दिया था। शायद इसके पीछे यही मंशा थी कि अगर जेजेपी एक अलग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी तो जाट वोटों में बंटवारा हो सकेगा। पर जेजेपी इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही है। उस पर बीजेपी का साथ देने का ऐसा लाछन लगा कि जाटों ने दुष्यंत को इस बार नकार दिया। इनेलो भी इस बार बीएसपी के साथ आने से बहुत जोश में थी, पर जनता के बीच जगह नहीं बना सकी। जाटों के ऊपर हुड्डा का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। बीजेपी की आखिरी उम्मीद अरविंद केजरीवाल से थी। बहुत से लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई इसलिए हुई क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का काम खराब कर सके, बीजेपी को फायदा हुआ इससे। पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में चुनावी परिदृश्य से गायब होकर कांग्रेस का साथ दिया। बीजेपी मैनेजमेंट की ही ये कमजोरी रही कि अंतिम दौर में जब वोटिंग के लिए 3 दिन बचे थे तो लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हो लिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जब हरियाणा का चुनाव आएगा या हरियाणा का जो रिजल्ट आएगा या जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा, तब तक पता लग ही जाएगा कौन जीत रहा है।